नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की रहस्यमयी मौत के मामले में फिर एक रहस्य जुड़ गया है। सुनंदा पुष्कर की मौत मामले में हुआ है एक बड़ा खुलासा। आरोप लगे हैं कि सुनंदा की मौत की जांच रिपोर्ट बदलवाने की कोशिश हुई थी। सुनंदा की मौत को सामान्य बताने के लिए दबाव डाला गया था। ये आरोप एम्स के फोरेंसिक विभाग के प्रमुख डॉक्टर सुधीर गुप्ता के हैं, जो खुद सुनंदा की मौत की जांच के लिए बनी कमेटी के हेड थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत आखिर कैसे हुई? दिल्ली के चाणकपुरी के 5 सितारा होटल लीला पैलेस के कमरा नंबर 345 में आखिर अचानक कैसे मौत के आगोश में चली गई सुनंदा पुष्कर? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सुनंदा की मौत की वजह ड्रग ओवरडोज को बताया गया है, लेकिन सुनंदा की मौत की मिस्ट्री में अब भी कई पेज उलझे हुए हैं। कई नए रहस्यों से पर्दा उठना अभी भी बाकी है। सुनंदा पुष्कर के दुनिया से चले जाने के बाद जिस तरह उसकी मौत की रिपोर्ट बदलाने की कोशिश हुई, उसका पूरा कच्चा चिट्ठा आरोपों के लहजे में इस शिकायती चिट्ठी में दर्ज है। सीवीसी एम्स के निदेशक और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को भेजी गई इस चिट्ठी में एम्स के फोरेंसिक विभाग के हेड डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने, जो सुनंदा की मौत की जांच के लिए बनी डॉक्टरों की 3 सदस्यीय पैनल के हेड भी थे, उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। डॉक्टर गुप्ता के मुताबिक सुनंदा की मौत की जांच रिपोर्ट मैनेज करने के लिए उन पर दबाव डाला गया था, ताकि सुनंदा की मौत को सामान्य मौत बताया जा सके। डॉक्टर गुप्ता ने सीवीसी स्वास्थ्य मंत्री को लिखे गए खत में ये भी आरोप लगाए हैं कि देश में मोदी की नई सरकार बनने से ठीक 3 दिन पहले उन्हें इसी वजह से एम्स के फोरेंसिक विभाग के हेड पद से भी हटाने की साजिश हुई थी। नई सरकार बनने से 2 दिन पहले हटा दिया गया था आपके पद से? नहीं, नो कमेंट, आई डोंट, मैं तो अभी छोटी हूँ, नो कमेंट। लेकिन सर, क्या आपने इसकी शिकायत, इस सारे मामले की शिकायत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से की है? देखिए, ये मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, और इट इज ए लीगल मैटर, सीरियस इशूज हैं, आई कैन नॉट शेयर विद द मीडिया। मसले पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और कुछ पुलिस अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन इन लोगों ने विवाद से दूर रहना ही बेहतर समझा। अरे नहीं, मेरा मतलब नहीं, मेरा विषय नहीं, मेरे से क्यों किसी लेटर लिखा सर आपके डॉक्टर ने? लिखा होगा किसी ने। छोटा सा मैं एक सवाल करूंगा, सुनंदा पुष्कर के पोस्टमार्टम करने वाले एक्सपर्ट डॉक्टर ने आपको लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने दबाव बनाया है? सुनंदा पुष्कर की मौत की रिपोर्ट बदलवाने का दबाव था, लेकिन डॉक्टर सुधीर गुप्ता का ये दावा है कि वो दबाव के आगे नहीं झुके। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि सुनंदा की मौत अचानक और अप्राकृतिक थी। अब सवाल यही खड़ा होता है कि जब सुनंदा की मौत अप्राकृतिक थी तो उसकी वजहें क्या हो सकती हैं? सुनंदा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन क्या उनकी मौत का पूरा सच दुनिया के सामने आ पाएगा? अक्षय सिंह के साथ दीपक शर्मा, दिल्ली आज तक।